I assign you some assignments. Do you complete that? Very good. Well done. The assignment was about the ratio of epistaxis. So, sweet pea produce offspring in 9:7. मैमूना बतूल कह रही है. एथायरस ओडोरेटस. ओके, इजी था भाई, सबने कर लिए होंगे सारे. आई डोंट नीड टू चेक आउट ऑल योर असाइनमेंट्स. सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. ऑफ कोर्स today we are going to studying the concept of linkage and crossing over. Linkage and crossing over. So what is linkage? हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम. क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम? हम कंप्लीट कर चुके हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्लासिक जेनेटिक्स जिसको कहते हैं, और मेंडल के डेविएशंस में हमने पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल अलील, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉफी. Today we are discussing the most deviating topic, that is linkage. किससे deviate करता है ये? Mendel से. सबसे ज्यादा जो Mendel के concept के according against concept है वो linkage का है, क्योंकि हम आज पढ़ेंगे जब linkage होगी तो crossing over, जब लिंकेज होगी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी. तो भाई मैं नहीं बता रहा आपको कि लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है. पहले एक बात को समझते हैं. सुने भाई, हमारी ना बॉडी के अंदर सेल्स हैं 60 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली, और पिक कलर 12:3:1. ओके, तो हमारी बॉडी में हर एक सेल के पास कितने क्रोमोसोम है? 40. और जब ऑर्गेनिज्म कोई गेमेट बनाता है, गेमेट बनाने के लिए डिवीजन करता है, जिसको हम नाम देते हैं मियोसिस. और मियोसिस में जो सेल है एक बार डिवाइड होता है, एक सेल में से दो सेल बनते हैं, फिर दो में से चार बनते हैं, यानी एक से चार सेल बन गए. और इनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो होता है हाफ इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल. तो भाई ये जो 40 क्रोमोसोम है, इनमें से अगर मैं एक क्रोमोसोम का पेयर निकाल के आऊं बाहर, अगर ये एक क्रोमोसोम का पेयर आपके सामने मैं ड्रा कर रहा हूं, ये क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम है, बिल्कुल इसी के जैसा एक और क्रोमोसोम है, ये दो एक जैसे क्रोमोसोम है. इन दोनों क्रोमोसोम को मैंने क्या कहा है पता है? इन दोनों के दोनों क्रोमोसोम को मैंने कहा है, कौन से क्रोमोसोम है ये? होमोलॉगस क्रोमोसोम है. कौन से क्रोमोसोम है? होमोलॉगस. होमोलॉगस क्रोमोसोम वो होते हैं
जो दिखने में एक जैसे, साइज में एक जैसे, नंबर ऑफ जीन उन दोनों के ऊपर एक जितने, तो ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर एक ही टाइप के जीन हो, उतने ही जीन हो, उतनी ही साइज हो, एक जैसे जो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं उन्हें कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम जो हैं वो बटे हुए हैं 23 पेयर में, 23 पेयर हैं हमारी बॉडी में, 23 पेयर होंगे ना, 23 पेयर हैं हमारी बॉडी में। और हमारी बॉडी में जो 23 पेयर हैं इन जनरल हम कहते हैं वो होते हैं होमोलॉगस पेयर की फॉर्म में। कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा। अब बात को स्टार्ट करता हूं मैं कि यहां पर एक जीन है, ये 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 जीन है। बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि ना जीन्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, किससे रिप्रेजेंट करता हूं, लेटर से। इस जीन को कह रहा हूं स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, चलो कैपिटल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच, ये जीन है इसके ऊपर। तो भाई मेरी बात समझे, अब समझने की बारी है। यहां पे स्मॉल है तो यहां पे भी स्मॉल है, कैपिटल बी तो यहां पे भी कैपिटल बी, कैपिटल सी तो ये भी कैपिटल सी, स्मॉल डी तो ये भी स्मॉल डी, स्मॉल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच। सर जैसे इसमें सेल जीन है वैसे ही इसमें है। एक क्रोमोसोम को ना दो क्रोमेटिड होते हैं, यहां से लेकर यहां तक क्रोमोसोम के पार्ट को कहते हैं क्रोमेटिड। तो ये हो गई जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं, ये एक क्रोमेटिड, और ये हो गई दूसरी क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड्स हैं भाई, कमेंट में बताएं। दो। ये दो क्रोमेटिड जो हैं एक जैसी हैं, क्यों एक जैसी हैं? क्योंकि सर इसके अंदर और इसके अंदर जो डीएनए है, इसके अंदर जो डीएनए है उसका कॉपी है इसके पास, इन दोनों के पास डीएनए की कॉपी है। ये आया है मदर से, सपोज करें हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 23 आए हैं मदर से और 23 फादर से, है ना, एक मदर से, एक फादर से, एक मदर से, एक फादर से, एक मदर से, एक फादर से, ऐसा होता है। चलो अब ये वाला जो साइड वाला क्रोमोसोम है इसके पास डोमिनेंट, डोमिनेंट, ठीक है, इस पे जो जीन है और इस पे जीन, उन जीन का नंबर वही है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एच तक है, यहां पे भी वहां तक है जीन। ये जीन रिसेसिव है, ये जीन हाइट के लिए है तो ये भी हाइट के लिए है, मगर ये स्मॉल है छोटी हाइट के लिए, और ये कैपिटल है तो बड़ी हाइट के लिए है। ऐसे ही अगर ये बालों के लिए है तो ये भी बालों के लिए है, अगर ये बालों को कर्ली करने के लिए तो ये भी बालों को लिए है, मगर बालों को कलर कोई और देगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि मां से जो आया है क्रोमोसोम उस पर अपने टाइप के जीन होंगे, और बाप से जो आया है, जो फादर से आया है, उसके पास अपने एक जीन की कॉम्बिनेशन होगी। एक बाप वाला एक मदर वाला जो एक जैसे क्रोमोसोम है, इन दोनों को हम कहते हैं कौन से क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहां तक क्लियर है? अब सवाल ये पैदा होता है कि एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड क्यों? ये जो दो क्रोमेटिड एक जैसी हैं इनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड, और ये अगर कैपिटल ए है तो इसका ये कॉपी होगी, जैसे यहां पर जीन है वैसे ही यहां पर होंगे। तो ये इसका डीएनए और इसका एक जैसा है, तो ये भी क्या हो गई, कौन सी क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, वो क्रोमेटिड जिनके पास डीएनए एक जैसा हो। क्या मैं इन दोनों को सिस्टर कह सकता हूं? नॉन सिस्टर, ये नॉन सिस्टर है, इनमें डीएनए एक जैसा नहीं है, मगर
इसके अंदर जो जीन है जितने जीन है वो इतने इसके पास भी हैं, जिसके लिए इसके हैं उसी काम के लिए इसके पास ही जीन है, मगर काम करने का तरीका जीन्स का अलग है। ये डोमिनेंट जी है तो ये रिसेसिव है, ये काम करेगा तो ये नहीं करेगा। यहां पे ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये काम करेगा तो ये नहीं करेगा। तो बच्चा कैसा होगा, बच्चा कैसा होगा जिसमें डोमिनेंट जाएगा, दोनों की तरफ से डोमिनेंट आएंगे तो बच्चे के पास डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, दोनों की तरफ से रिसेसिव जीन आएंगे तो बच्चे के पास रिसेसिव कैरेक्टर होगा। अगर बच्चे में एक डोमिनेंट आ जाए एक रिसेसिव आ जाए तो बच्चे में डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। चलो ये भी बात ओके है। अब सवाल मेरा यह है कि क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड क्यों है। भाई सुनिए, ये क्या है, एक सेल है, आपने तो पढ़ा हुआ है कि डिवीजन से पहले, डिवीजन से पहले सेल के पास, डिवीजन से पहले सेल के पास जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में होता है। डिवीजन से पहले ये सेल बना रहा हूं और इस सेल के अंदर जो डीएनए है ये इस फॉर्म में है, ये न्यूक्लियस है सेल का। 40 क्रोमोसोम इस फॉर्म में पड़े हैं, इनको क्रोमेटिन कहेंगे या क्रोमोसोम कहेंगे बताएं। खुला हुआ है, अनकॉइल्ड है, खुला हुआ डीएनए, क्रोमेटिन भाई, क्रोमेटिन फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है ये तो, न्यूक्लियस में पढ़ा होगा आपने। थिन होंगे, लॉन्ग होंगे, इनविजिबल होंगे, धागों जैसे नेटवर्क टाइप पड़े होंगे, खुला हुआ डीएनए होगा ये क्रोमेटिन। जब सेल डिवाइड करने पे आता है, जब सेल सोचता है कि डिवीजन करूंगा, तो डिवीजन करने के टाइम सेल क्या करता है, इन क्रोमोसोम को मोटा करता है ताकि आसानी से उनको डिवाइड कर सकूं। तो ओनली डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं क्या, वो मोटे हो जाते हैं, और जो मोटे हो जाते हैं तो ऐसे बन जाते हैं। अब मुझे बताएं, अगर यहां पर एक डीएनए को मैंने निकाला, एक क्रोमोसोम को यहां से निकाला, इसके पास एक डीएनए है, तो जब ये सेल एक में से दो बनाएगा, जब ये सेल एक में से दो बनाएगा, दो में से चार बनाएगा, या मैं कह लूं ये सेल एक से दो सेल बनाएगा, इसके पास 40 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 40 हैं, इसके पास भी 40 हैं, तो ये 40 में से दो सेल बने, इनके पास 40 क्रोमोसोम कैसे। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे भाई, सर ये क्रोमोसोम ऐसे होंगे। ठीक है भाई, पहले क्रोमोसोम ऐसे स्थिन होता है, फिर इसमें एक डीएनए होता है, फिर उसकी बनती है क्या कॉपी, कितने डीएनए हो गए एक क्रोमोसोम में, दो। जब सेल डिवीजन करना चाहेगा तो अपने डीएनए को डबल करेगा कि नहीं, डबल करेगा। तो डीएनए के डबल करने को क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। तो डीएनए ने क्या की, रिप्लिकेशन की, जब डिवीजन पे आएगा तो यहां पे अब क्रोमोसोम 40 है मगर डीएनए कितने हो गए, 92 डीएनए हो गए। हर एक डीएनए क्रोमोसोम के पास कितने डीएनए, दो के पास, दो 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 दो। सर अभी तक ये क्रोमेटिन के फॉर्म में है, मगर ये आगे चलकर क्या होगा, ये आगे चलकर क्या होगा, ये छोटा और मोटा हो जाएगा, ये छोटा भी हो गया मोटा भी हो गया। हाँ, तो ये जब छोटा और मोटा हुआ है तो अब इसको कहेंगे क्रोमोसोम, पहले कह रहे थे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में एक डीएनए था, जब डिवीजन पे आया दो डीएनए बन गए, एक से उसकी कॉपी, एक से उसकी कॉपी, फिर वो क्रोमेटिन मोटी हो गई, तो क्रोमेटिन को अब कहेंगे क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिन क्यों है, क्योंकि उसके पास दो डीएनए है। ये टाइम है डिवीजन का। अब भाई कितने क्रोमोसोम है, 40, इसके पास कितने डीएनए हैं, दो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक जो क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम के लायक नहीं है, है भाई, दो डीएनए डबल क्रोमोसोम का मटेरियल है इसके पास, कहेंगे एक क्रोमोसोम मगर मटेरियल दो का है। तो अब अगर इसको हम सेपरेट करें ऐसे, तो एक डीएनए उधर, एक डीएनए इधर, एक क्रोमोसोम इधर, एक उधर,
जो आधा आधा बन जाएगा उसको एक एक क्रोमोसोम कहेंगे, मगर इसमें दो डीएनए उनमें एक एक डीएनए होगा। तो माइटोसिस में क्या होता है, जो सेल डिवीजन होती है माइटोसिस, आपने पढ़ा होगा कि माइटोसिस एक सेल से दो बनते हैं मगर क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है। उसमें क्या होता है, हर एक कितने क्रोमोसोम है, 40 को ऐसे किया जाएगा, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर, एक में से आधा 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 आधा, तो 40 के आधे क्रोमोसोम इधर जाएंगे और आधे इधर आएंगे, मतलब 40 उधर 40 इधर। क्रोमोसोम नंबर पेरेंट और डॉटर सेल में पूरा। मियोसिस में कैसे होता है भाई, मियोसिस में सेल डिवाइड करता है दो बार, एक बार एक सेल से दो सेल बनते हैं, फिर दूसरी बार दो सेल से चार बनते हैं। हाउ, कैसे कैसे ये सेल डिवाइड करता है, देखें भाई बात को समझने की करें। यहां पे मैंने क्रोमोसोम बना दिए कितने, दो। कितने क्रोमोसोम बना दिए, दो। अब इन दो को क्या कहा मैंने, होमोलॉगस पेयर। क्या कह दिया, होमोलॉगस पेयर। अब भाई ये होमोलॉगस पेयर, अब मुझे बताएं, अब अगर एक को इधर भेजा जाए, एक को इधर भेजा जाए, फिर दूसरे होमोलॉगस पेयर में से एक को इधर और एक को इधर, तो यहां पे कितने आ जाएंगे, 23। वहां पे कितने आ जाएंगे, 23। 23 इधर, 23 उधर, तो यहां पे कितने, 40। यहां पे कितने होंगे, 23। 23 समझ आई बात, मगर कैसे, मगर कैसे। सर आप कहेंगे यहां पे जो क्रोमोसोम होगा उसके पास दो क्रोमेटिड होंगी, और यहां पे भी जो क्रोमोसोम होगा उसके पास भी दो क्रोमेटिड होगी, इट मींस दो डीएनए होंगे। मियोसिस वन का कॉन्सेप्ट क्लियर, कि एक सेल में से 23 क्रोमोसोम क्यों कैसे बने, एक सेल में 40 थे यानी 23 पेयर थे, डॉटर सेल दो बने उनके पास क्रोमोसोम कितने हो गए, 23। मगर 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 देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज अ प्रॉब्लम सर, देयर इज अ प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज दैट यहां पे जो क्रोमोसोम है उसके पास कितने डीएनए हैं, दो। तो सर क्रोमोसोम तो 23 हैं मगर डीएनए कितने, 40। क्या मैं कह सकता हूं कि ये सेल गेमेट के काबिल है, नहीं भाई। क्यों, क्योंकि गेमेट में 23 क्रोमोसोम 23 डीएनए होने चाहिए। यहां पे क्रोमोसोम तो 23 हैं मगर डीएनए डबल डबल डबल, तो ये काम नहीं चलेगा भाई। फिर क्या करना होगा, क्या करना होगा सर, क्रोमोसोम को सिंगल सिंगल करना होगा, इसलिए होती है मियोसिस टू। क्या होगा मियोसिस टू में, अब यहां पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, यहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में अटैच हो गए, एक उधर एक उधर एक उधर एक उधर हो गया, माइटोसिस में ऐसा नहीं हुआ था। क्या मैं कह रहा था कि माइटोसिस में भी होमोलॉगस पेयरिंग होगी, एक उधर एक इधर, नहीं। अगर ऐसे होता तो माइटोसिस से भी 23-23 वाले सेल बनते, है ना। होमोलॉगस पेयरिंग माइटोसिस में नहीं होती क्योंकि क्रोमोसोम को कम नहीं करना, यहां पे होती है क्योंकि क्रोमोसोम को कम नहीं होने देना, यहां पे क्रोमोसोम को कम होने नहीं देना, यहां पे क्रोमोसोम को कम होने देना है। तो हाफ नंबर करने के लिए होमोलॉगस पेयरिंग की मियोसिस में होगी, एक इधर एक उधर एक इधर एक उधर। तो मियोसिस वन में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, मियोसिस में होमोला एक इधर एक उधर, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, ठीक हो गया भाई। मियोसिस टू माइटोसिस के जैसी होगी, यहां पे क्या हुआ, एक मिनट, एक सेल से कितने सेल बने, दो। अब इन दो सेल में क्रोमोसोम कैसे, ये सारे का सारा ऐसे यहां पर है, और ये जो क्रोमोसोम है ये वाला यहां पर, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, तो यहां पे 23, यहां पे भी 23। ये मियोसिस हो गई कौन सी, मियोसिस वन। फिर सेल डिवाइड करेगा, अब ये पढ़ाऊंगा यहां से यहां तक, तो ये सेल भी अब कितने सेल में डिवाइड करेगा, दो में, और ये भी दो में। कितने होने चाहिए क्रोमोसोम, यहां पे भी 23 23 23 23, मगर फर्क क्या होना चाहिए सर, डबल डीएनए नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे सर, यहां से तोड़ना चाहिए क्रोमोसोम को। कहां से तोड़ना चाहिए क्रोमोसोम को, यहां से, यहां से जो क्रोमोसोम को तोड़ेंगे, एक क्रोमेटिड इधर हो जाएगी, एक उधर, एक डीएनए इधर एक उधर,
फिर इन दोनों में से कितने क्रोमोसोम है, 23, एक क्रोमेटिड इधर एक आ गई और इसका आधा ऐसा इधर। सिमिलरली यहां पे जो दो क्रोमेट थी उनमें से एक इधर और एक इधर। अगर भाई 23 में से एक इधर एक उधर, दूसरी भी इधर उधर, तीसरी भी इधर उधर, तो 23 के 23 इधर 23 उधर, क्रोमोसोम भी 23, डीएनए भी 23, क्रोमोसोम भी 23, डीएनए भी 23। बात समझ आई? ओके भाई, ये कॉन्सेप्ट था चैप्टर नंबर 7 इंटर के पुराने बुक का, जो पुराना बुक है हमारा एसटीबी और पंजाब जो है उसका ये कॉन्सेप्ट है, उसके मतलब सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट था जो कि यहाँ पे पढ़ना जरूरी था लिंकेज में। कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मियोसिस में होमोलागस पेयरिंग होगी, मियोसिस वन में क्रोमोसोम रिड्यूस होंगे, माइटोसिस में होमोलागस ना पेयरिंग होगी ना क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होगा। ठीक हो गया भाई? और ये भी बात सीख ली हमने कि सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो हमें मिलेंगी, भले माइटोसिस हो भले मियोसिस हो। अच्छा मुझे बताएं, एक को कहा जाता है मोनाड, मोनाड, मोनाड क्या कहेंगे? देखें, एक क्रोमोसोम है, इसके पास एक डीएनए है और दूसरी उसकी कॉपी, क्रोमेटिड एक है तो ये मोनाड होगा। अगर अगर ये क्रोमोसोम जो है इसकी जो ये क्रोमेटिड है ऐसे बढ़ जाए दो हिस्सों में, दो हिस्सों में बढ़ जाए, इसके बढ़ने से पहले जब ये एक था तो दूसरा भी तो एक था ना क्रोमोसोम, ठीक है? एक को मोनाड, दो साथ हैं तो डायाड। अगर यहां पे भी दो क्रोमेटिड बन जाए, यहां पे भी दो क्रोमेटिड बन जाए, तो कितनी क्रोमेटिड, एक दो तीन चार। अब इनको क्या कहेंगे, मोनाड कहेंगे, डायाड कहेंगे या टेट्राड कहेंगे? चार क्रोमेटिड नजर आए तो, दो क्रोमेटिड नजर आए तो डायाड। चलो सर, डीएनए ए दो हैं तो क्रोमेटिड भी दो होनी है, दो भाई हैं तो दो घर होंगे। चलो सर, क्या टेट्राड माइटोसिस में मिलेगा, टेट्राड फॉर्मेशन होगी? घर को पानी प्यार। अब भाई आते हैं लिंकेज पर, अब लिंकेज पर आते हैं। व्हाट इज लिंकेज? सुने भाई, सुने 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 सुने, एक क्रोमोसोम पर ये जो सारे, एक क्रोमोसोम पर ये जो सारे जीन आपस में साथ साथ अटैच हैं, इस एक क्रोमोसोम के सारे जीन्स को, सारे के सारे जीन्स को हम कहते हैं लिंक्ड जीन। क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन। क्या इस जीन, क्या इसके जीन और इसके जीन को लिंक्ड जीन कहेंगे? नहीं, इस पे जो सारे जीन है वो लिंक्ड, इस पे जो सारे हैं लिंक्ड, इसके लिंक्ड, ये लिंक्ड। एक क्रोमोसोम पर जो सारे जीन लिंक्ड इकट्ठे साथ बैठे हैं, एक क्रोमोसोम पर जो सारे जीन है वो लिंक्ड जीन। जैसे वाई क्रोमोसोम पे 231 जीन है, ये सारे लिंक्ड है। इंसान के बड़े में बड़े क्रोमोसोम से मेरे ख्याल में 3878 क्रोमोसोम है ये लिंक्ड जीन। तो लिंक्ड जीन एक क्रोमोसोम पे जो सारे जीन है उनको कहा जाता है। अब इन लिंक्ड जीन को सेंटानिक जीन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको? सेंटानिक जीन। सेंटानिक मतलब फ्यूज, जो आपस में फ्यूज है। चलो एक और बात, हाँ, क्रोमेटिड पर, क्रोमोसोम पर, तो भाई ये लिंकेज क्या है? लिंकेज लिंक्ड जीन इनको कहा जो एक क्रोमोसोम पर है, लिंकेज क्या है? सर, जो ये जीन आपस में जुड़े हुए हैं ये साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ ही ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। मुझे बताएं, अगर ये क्रोमेटिड, ये वाली एक, ओनली एक, ये देखें, एक क्रोमेटिड आई है गेमेट में, तो इसके ऊपर कितने जीन है? 100 सपोज करें,
तो 100 के 100 जीन इस क्रोमेटिड में होंगे या एक होगा बाकी बाहर चले जाएंगे, सारे होंगे। अगर मैं कहूं एच जीन, अगर मैं कहूं ये कैपिटल एच जीन इधर है तो क्या कैपिटल जी नहीं है, कैपिटल एफ नहीं है, कैपिटल ई नहीं है, स्मॉल डी नहीं है, कैपिटल सी, कैपिटल बी, स्मॉल बी नहीं है, ए नहीं है, सारे साथ हैं। भाई जब गाड़ी हैदराबाद जा रही है तो जीन भी हैदराबाद जा रहे हैं, पैसेंजर भी हैदराबाद जा रहे हैं, लाहौर थोड़ी जाएंगे वो, जिस गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, गाड़ी ट्रेन हैदराबाद की तरफ जा रही है, कराची की तरफ जा रही है, तो पैसेंजर लाहौर नहीं जाएंगे, उसमें बैठे हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो गाड़ी है, ट्रेन है, व्हीकल है, और जो क्रोमोसोम पे पैसेंजर हैं वो कौन से हैं, जीन। जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहां पे पैसेंजर जाएंगे, रेलगाड़ी कहाँ पे जाई गई भाई, कहाँ पे गई ये रेलगाड़ी, क्रोमोसोम गैमेट में, डॉटर सेल में, तो जीन भी कश्मोर नहीं गई, कश्मोर नहीं, गैमेट में गई है, डॉटर सेल में गई है, तो जीन भी कहाँ गए, डॉटर सेल में गए, साथ साथ गए या एक दो लाहौर भी गए, कहाँ गए, वेरी गुड वेरी गुड। तो इनका जो बिहेवियर है, साथ रहना, साथ खाना, साथ पीना, साथ जाना, साथ ट्रांसफर होना, ये कहलाता है लिंकेज, रिलेशन इज कॉल्ड लिंकेज। और जो रिलेशन में है उनको लिंक्ड जीन कहा जाता है। चलो हाँ, ये साथ निभाएंगे, साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। चलें भाई, अब एक टर्म यूज होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज लिंकेज ग्रुप, लिंकेज का ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या है? है ना भाई, होमोलॉगस पेयर, क्रोमोसोम का होमोलॉगस पेयर, ये एक और ये दो आपस में एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, इसके ऊपर भी लिंकेज है, इसके ऊपर भी लिंकेज है, ये एक लिंकेज है, ये उसकी कॉपी है, एक लिंकेज मानेंगे, एक लिंकेज है, ये उसकी कॉपी है। तो होमोलॉगस पेयर पर कितनी लिंकेज हैं? एक दो। क्या इस लिंकेज और इस लिंकेज में फर्क नहीं है? क्या है? हो सकता है डोमिनेंट रिसेसिव का, मगर सिमिलर भी हैं। कैसे? के हाइट के हैं तो वो भी हाइट के, कलर के तो वो भी कलर के, टीथ के तो वो भी टीथ के, बोलने के तो वो भी बोलने के, सिमिलरिटी भी है। क्या 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 इसके लिंकेज और इसके को एक ग्रुप में डालेंगे आप? नहीं भाई, यहां पे पता नहीं कौन से जीन है, हम सारे कराची वाले हैं और ये लाहौर वाले हैं सपोज करें। लिंकेज डोमिनेंट का फर्क होगा इसमें और इसमें, रिसेसिव डोमिनेंट का फर्क होगा, मगर इसमें और इसमें कौन सा फर्क होगा? नॉन होमोलॉगस में सारे का सारा फर्क है सर, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ये उनके लिए नहीं है, ये किसी और चीज के लिए है। चलो 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 चलो, तो लिंकेज ग्रुप कहते हैं होमोलॉगस पेयर पे जो दो लिंकेज नजर आ रही हैं आपको, उनको मिला के एक। अब मुझे बताएं कितने लिंकेज ग्रुप हैं? 23 पेयर हैं भाई, 23 होमोलॉगस पेयर हैं, तो लिंकेज ग्रुप भी 23, जितने होमोलॉगस पेयर उतने लिंकेज ग्रुप। समझ आ गई बात? अब भाई बात सुने, बात सुने, बात सुने, आज हम नहीं पढ़ सकेंगे कि लिंकेज को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, मगर मगर कल हम पढ़ेंगे डिटेल में। इतना याद रख लें, जो लिंकेज है वो एक होती है कंप्लीट, एक होती है इनकम्प्लीट, एक जगह पे होती नहीं। जहां पे लिंकेज नहीं होगी वहां पे होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर 9:3:3:1 आए, इट मींस, मतलब ये डायविड की बात कर रहा हूं, 9:3:3:1 आए
तो क्या कह रहे हैं आप, ये दोनों जीन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एफ एन लिखी है मैंने, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक क्रोमोसोम पर हैं या नहीं? 933 आ जाए तो नहीं है लिंकेज, एक पर नहीं है, नहीं है। ये प्रूफ करवाऊंगा कैसे, ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, एक पर नहीं है कैसे ये प्रूफ करेंगे। इतना याद कर लें कि अगर ये रेशो आए तो लिंकेज नहीं है, अगर ये रेशो आ जाए कौन सा 3:1 आ जाए, 3:1 आ जाए तो समझ ले लिंकेज है, फुल लिंकेज है। 3:1 आता है मेंडल के केस में मोनोहाइब्रिड में। अगर डायहाइब्रिड का ये रेशो आ जाए डायहाइब्रिड का तो समझ लें कंप्लीट लिंकेज है। भाई सुने मेरी बात, कंप्लीट लिंकेज उसे कहेंगे, ये तो बताएं कमेंट में जल्दी, ये 9 कौन से थे मेंडल वाले केस में? सर ये थे येलो राउंड, येलो ऐसा ही था ना भाई, क्या ये येलो राउंड अपने पेरेंट जैसे नहीं थे? हाँ सर पेरेंट जैसे थे। और ये 1 क्या था सर? सर ये ग्रीन और रिंकल था, क्या ये भी पेरेंट टाइप नहीं था? सर ये भी पेरेंट टाइप थे। तो ये 9 और ये 1 यानी 9 और 1 पेरेंट टाइप हैं, यानी टोटल कितने 10। बीच वाले ये इन दो की बात करूं तो ये कैसे हैं? आप कहेंगे सर ये वाला है येलो रिंकल और ये वाला है ग्रीन राउंड, तो ऐसा कोई पेरेंट था क्या येलो रिंकल ग्रीन राउंड? नहीं, ये नए बने हैं सर, नई कंडीशन बनी है, नया टाइप का ऑर्गेनिज्म बचा बना है, तो इन्हें हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट कितने हुए? 6। अगर रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं इट मींस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर सारे के सारे पेरेंटल टाइप ये 3 एक पेरेंट के जैसे होंगे, ये 1 एक पेरेंट के जैसा होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस में सारे के सारे पेरेंट के जैसे होंगे, तो हम कहेंगे कंप्लीट लिंकेज। कल हम प्रूव करेंगे, आज तो ऐसे हवाल प्रोग्राम कर रहे हैं हम। अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप मिले और 9331 में से 3 रिकॉम्बिनेंट मिले तो समझे क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर सर 3:1 आए उसके बाद भी 1 आए तो ये क्या है? आप कहेंगे सर ये पेरेंटल टाइप, ये भी पेरेंटल टाइप, और ये जो है ना सर पता नहीं कैसा बना है, नई कॉम्बिनेशन बनी है एक, ऐसा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में नहीं होता। तो भाई ये क्या है? सर ये लिंकेज है पर थोड़ी लिंकेज जो है कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट। तो जब सारे के सारे पेरेंट जैसे हो तो कंप्लीट लिंकेज कहेंगे, सारे के सारे पेरेंट के जैसे हो थोड़े चेंज हो तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। और अगर कुछ पेरेंट जैसे और कुछ रिकॉम्बिनेंट मगर 9:3:3:1 ये फिक्स आए तो हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर 9:3:3:1 नहीं आ रहा तो आपका क्या कहना है, लिंकेज है या नहीं है? थ्री रेशो 1 पे तो फुल लिंकेज है, 3:1 और फिर भी कोई 1 या पॉइंट समथिंग या कुछ भी हो फिर भी लिंकेज है। हम ये प्रूव करेंगे, ये जो चार्ट यहाँ पे लिखा था मैंने ये प्रूव करेंगे। अब मेरी बात सुने, क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर क्या है? सर आप कहेंगे ये क्रोमोसोम है और ये उसका जो है वो कौन सा क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है। सर इसके ऊपर जीन है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ, और इसमें भी वही होंगे स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ। इसमें जो सर जीन होंगे वो होंगे कौन से,
कौन से जीन होंगे इसमें? इसमें जो सर जीन होंगे आपके, चलो सर ये कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल एफ, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल एफ। सही है, ये दोनों सिस्टर, ये दोनों सिस्टर और बीच वाले नॉन सिस्टर, बीच वाले नॉन सिस्टर, ये दोनों, ये इसमें और जीन है इसमें और। चलो अब अगर मियोसिस वन, मियोसिस वन मतलब जब सेल एक बार डिवाइड हो रहा था, आपने 9th में पढ़ा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, याद है? पढ़ा है तो मैं बात करूं, हाँ पढ़ा है। तो मियोसिस के अंदर या माइटोसिस के अंदर प्रोफेज मेटाफेज, मियोसिस वन होती है और मियोसिस टू होती है। जब दूसरी बार सेल डिवीजन कर रहा है तो मियोसिस टू। अब मुझे बताएं ये क्या है, मियोसिस वन है या मियोसिस टू है? ये मियोसिस वन है। ये क्या है? अब ये मियोसिस टू है, ये मियोसिस वन है। मियोसिस वन में प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, एंटीलोफेज वन। मियोसिस टू का जो प्रोफेज होगा उसे क्या कहें? प्रोफेज टू, मेटाफेज भी टू, एनाफेज भी टू और टीलोफेज भी टू। समझ रहे हैं? प्रोफेज के अंदर होमोलागस पेयरिंग होती है, होमोलागस पेयरिंग होती है और इस होमोलागस पेयरिंग को कहते हैं साइनेप्सिस। होमोलागस क्रोमोसोम आपके आपस में जुड़ जाएं, एक धागे की मदद, एक धागा होता है जो इनको आपस में जोड़ता है। मैंने चोटियों पे क्रोमोसोम को जोड़ा है, बाकी नहीं जोड़ा, मगर थ्रू आउट द लेंथ ऐसे ऐसे क्रोमोसोम जुड़े होते हैं, होमोलागस ऐसे जुड़े होते हैं, जैसे मैंने फिंगर जोड़ी है, मगर मैंने ऐसे जोड़े हैं, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे जुड़े होते हैं, मगर आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया है। ये जो धागा है इसे हम कहते हैं चियाज्मा। धागे को क्या कहते हैं? जो चियाज्मा, वो धागा है जो जोड़ेगा। सिलाई करते हैं ना धागे से, दो कपड़ों को मिलाते हैं, दो क्रोमोसोम को मिलाने वाला जो धागा है वो चियाज्मा, और दो कपड़े जब मिल रहे हैं उनके मिलने को, क्रोमोसोम के मिलने को साइनेप्सिस। साइनेप्स का मतलब है होमोलागस पेयरिंग। पेयरिंग किनके बीच होती है? ये होमोलागस के बीच। अच्छा क्रोमेटिड कौन सी आपस में मिलती है, सिस्टर या नॉन सिस्टर? सर सिस्टर तो पहले ही साथ हैं, ये साथ हैं, ये आपस में साथ हैं। अब ये जो मिली हैं आपस में, एक उसकी, ये नॉन सिस्टर हैं। चलो सर साइनेप्सिस हो गई, ये साइनेप्सिस होती है प्रोफेज वन के अंदर, फिर फेज होते हैं, ये आपको नहीं रटने, ऐसे मैं बता रहा हूं, ऐसे मैं बता रहा हूं, सेल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। कहते हैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाया काइनेसिस। एक को लिखता हूं लेप्टो तीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डाया काइनेसिस। ये जो होती है जाइगोटीन में होती है पेयरिंग, और पेकाइटीन में होती है क्रॉसिंग ओवर। होमोलागस पेयरिंग होती है जाइगोटीन में, यहां पे क्रोमोसोम मोटे होते हैं, यहां पे पेयर बनाते हैं और यहां पे उनके बीच क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर है क्या? क्रॉसिंग ओवर ये है सर, इसका पार्ट, इस येलो का पार्ट यहां से या यहां से काट कर उसके पास ट्रांसफर करें, और इसका पार्ट उतना ही ट्रांसफर करके इसके पास ट्रांसफर करें। तो ये दो क्रोमोसोम के बीच, कौन से क्रोमोसोम के बीच? होमोलागस क्रोमोसोम के बीच, और होमोलागस क्रोमोसोम के कौन से क्रोमेटिड के बीच? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जो एक्सचेंज हो रही है, जो एक्सचेंज हो रही है किसकी? जेनेटिक मटेरियल की, जेनेटिक मटेरियल की मतलब जीन की, मतलब डीएनए के पार्ट की, उस एक्सचेंज को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब मैं बना रहा हूं क्रॉसिंग ओवर के बाद क्रोमोसोम का हुलिया, क्रोमोसोम का हुलिया कुछ यूं हो गया है भाई, जीन स्मॉल है उधर चला गया, और यहां वाला जो था वो इधर चला गया। इसके पास कौन सा था? स्मॉल है, तो स्मॉल है आपका उसके पास चला गया, ये इधर चला गया, और इधर वाला इधर आ गया। यहां पे क्या था? कैपिटल है, तो कैपिटल है इधर आ गया। अब मसला हो गया कि नहीं?
अब भाई कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल स्मॉल बी इनके साथ लिंक्ड था ना, इनके साथ। अब ये कैपिटल ए इनके साथ रहा, जिनके साथ था यहां ट्रांसफर होने के बाद इनके साथ रहा नहीं, तो इनके बीच जो कनेक्शन था, जो लिंकेज था, वो क्या हो गई, टूट गई। ये जो एक्सचेंज होना है इधर का मटेरियल उधर, उधर का इधर, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये ए इधर से आया था, इधर वाला ए इधर चला गया, ये मटेरियल का एक्सचेंज, एक जीन का, दो तीन चार पांच छह का एक्सचेंज होना बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। अब मुझे बताएं क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को तोड़ रही है या नहीं, ब्रेकिंग ऑफ लिंकेज कर रही है, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को तोड़ रही है। भाई ये स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ था, अब इसको अलहदा करके किसके साथ जोड़ा गया है, स्मॉल बी के साथ, कैपिटल सी स्मॉल डी, कैपिटल ई कैपिटल एफ, ये इसके, और इसके कौन से थे, कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ, ये स्मॉल एफ है। तो ये जो एक्सचेंज हो गई मटेरियल की, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर तोड़ती है किसको, लिंकेज को, लिंकेज को ये तोड़ती है भाई, ठीक है। एक साइंटिस्ट आया एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है मॉर्गन, 1910 में इसने कॉन्सेप्ट दिया लिंकेज का, रोसोफिला मेलानोगेस्टर को स्टडी करके। रोसोफिला मेलानोगेस्टर मतलब फ्रूट फिला, जो फ्रूट की फिला है, जो घरेलू मक्खी है, तंग करती है, जो दिन की ड्यूटी देती है, इसको ड्रोसोफिला कहते हैं। साइंटिफिक नाम ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर है, मेलानोगेस्टर है। हाँ बस करते हैं अभी, ये बात पूरी करूं, सुने। इसके ऊपर इसने इसके 85 कैरेक्टर स्टडी किए, उनमें से ये सीखा क्या, मॉर्गन ने क्या सीखा कि जीन के बीच लिंकेज होती है, मगर कैसे ये कल पढ़ेंगे। मगर ये कैसे कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो कल पढ़ेंगे हम भाई, आज का टॉपिक जो है अवाल प्रोग्राम था अबाउट जेनेटिक्स लिंकेज, कल हम लिंकेज को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।